हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में आज हम स्ट्रिंग फंक्शन देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग पढ़ा था और वहां पे मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताया था, तो उसे आप जरूर देखें क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट सेशन था। वो हमारे इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में काफी हेल्प होने वाला है। तो स्ट्रिंग क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें आप नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी फंक्शन यूज होते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो सारा यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, तो इसी को हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइल क्रिएट कर लेते हैं पाइथन 3 गया। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं स्ट्रिंग फंक्शन, एंटर। यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं x इक्वल टू, सपोज यहाँ पे हमने ले लिया संजीत। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो मल्टीप्लाई ये कर लेते हैं। इसमें क्या हो सकता है, सपोज यहां पे आपने x इंटू टू किया तो ये क्या करेगा, संजीत को दो बार मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब दो बार आपको शो हो जाएगा। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो दो बार मल्टीप्लाई हो गया। आप चाहो तो प्रिंट करवा सकते हो, मैंने आपको बताया था ये भी एक तरीका है प्रिंट करवाने का। तो इसमें एक ही डेटा आप प्रिंट करवा सकते हो, सपोज मोर देन वन डेटा है यहां पे और इसको आपको प्रिंट करवाना है, तो उस केस में यहां पे प्रिंट लगाना पड़ेगा तभी जाके ये भी शो हो। तो ये मल्टीप्लाई था हमारा, ये भी एक देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था स्लाइसिंग जब हम लोग करते हैं तो हम लोग किसी भी तरह स्लाइस कर सकते हैं, तो ये नेगेटिव वाले टर्म पे आप कैसे स्लाइस कर सकते हो, सपोज इसी को कॉपी किया, कंट्रोल वी किया, यहां पे हम लोग क्या करते हैं प्रिंट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पे हम लोग स्लाइसिंग कर रहे हैं नेगेटिव वाला। पॉजिटिव वाला मैंने आपको बता रखा है, तो नेगेटिव वाला में मैंने आपको बताया था कि जब आप रिवर्स डायरेक्शन में इंडेक्सिंग करते हो तो नेगेटिव से स्टार्ट होता है, तो टी क्या हो जाएगा माइनस वन, ई क्या हो जाएगा माइनस टू, फिर ई क्या हो जाएगा माइनस थ्री, इसी तरह ये चलता चला जाएगा। तो सपोज यहां पे हम जे डबल ई टी चाहते नेगेटिव ऑपरेशन से, तो उस केस में क्या कर सकते हो, इसका पोजीशन क्या है रिवर्स डायरेक्शन में माइनस फोर, तो यहां पे आप लिख सकते हो माइनस फोर कॉलन, उसके बाद माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, माइनस वन तक आपको टी मिल रहा है। तो यहां पे यदि माइनस वन करोगे तो क्या प्रिंट होगा, जे डबल ई, देख सकते हो कंट्रोल एंटर। टी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था इसे कंप्लीटली रिमूव करना पड़ेगा, तो कॉलन के बाद आपको कुछ भी नहीं देना है, तो कंट्रोल एंटर, तो इस केस में सारे प्रिंट हो जाएंगे। सपोज आप चाह रहे हो दो का इंक्रीमेंट करवाना, तो उस केस में क्या कर सकते हो, सपोज यहां पे आपको एंड तक लेना है और दो का इंक्रीमेंट करवाना है, तो सपोज यहां पे टू ले लिया, तो बीच में हमने कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब हमने एंड तक जाना है और दो का इंक्रीमेंट करवाना है, तो आंसर क्या होगा जे और ये वाला ई आ जाएगा, बीच वाला स्किप हो जाएगा, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था। तो कंट्रोल एंटर करोगे तो जे ई हो जाएगा, मतलब दो का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये दो तरीका था। अब फंक्शन देख लेते हैं, हमें लेंथ चाहिए, तो लेंथ के लिए क्या कर सकते हो, यहां पे सिंपली लिख सकते हो लेंथ ऑफ एक्स कंट्रोल एंटर, तो ये बेसिकली क्या करेगा लेंथ बताएगा कि इसका साइज टोटल कितना है। तो यहां पे आप देख सकते हो एक दो तीन चार पांच छह सात, टोटल सेवन कैरेक्टर्स है, तो यहां पे सेवन शो हो जाएगा। अब यहां पे लेंथ और इंडेक्सिंग दोनों डिफरेंट है, इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है लेकिन जब आप लेंथ की बात करोगे तो ये वन से स्टार्ट होता है, तो वन टू सेवन आपका लेंथ हो गया इसका। अगला क्या है, अपर, मतलब यदि आप चाह रहे हो ये जो स्ट्रिंग है ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाए तो उस केस में आप अपर फंक्शन लेते हो, तो इसमें कैसे यूज कर सकते हो, सिंपली यहां पे आपको लेना है एक्स डॉट अपर। तो यदि दोनों प्रिंट करवाना है तो यहां पे आपको प्रिंट देना पड़ेगा तभी जाके प्रिंट होगा, नहीं तो वो
लास्ट वाला एलिमेंट प्रिंट करवाएगा। तो इस केस में क्या आना चाहिए आंसर, सेवन ये तो आएगा ही, और इसमें आ जाएगा कि सारे कैपिटल हो जाएंगे, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो कैपिटल हो। तो याद रखना जब आपके पास दो एलिमेंट हो और आपको प्रिंट करवाना है तो फर्स्ट में आपको प्रिंट देना है, इसमें भी आप दे सकते हो लेकिन मोर देन वन एलिमेंट के लिए आपको प्रिंट लगाना ही पड़ेगा फर्स्ट में। तो ये था अगला आपका लोअर केस, ये फंक्शन जो है कैपिटलाइज, ये भी देख लेंगे। तो सबसे पहले लोअर देखते हैं, तो इसी में हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रिंट यहां पे कर लेंगे, प्रिंट एक्स डॉट लोअर। तो इस केस में क्या होगा, ये सारे लोअर हो जाएंगे। यहां पे एक और काम करते हैं, इसको जे ले लेते हैं, कंट्रोल एंटर करोगे तो यहां पे आप देख सकते हो जो भी कैरेक्टर्स है ये कैपिटल हो गए यहां पे, और इस केस में लोअर हो गए। इसी में आप सपोज यहां पे हमने लिखा एक्स डॉट कैपिटलाइज, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका ये वाला जो स्ट्रिंग है उसमें फर्स्ट कैरेक्टर को ये कैपिटल कर देगा। वैसे तो ये पहले से है लेकिन यहां पे आप चेक कर सकते हो, सपोज यहां पे हमने ले लिया स्मॉलर एस, तो कंट्रोल एंटर, इस केस में आप दे सकते हो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो कैपिटल हो गया, तो यही हो जाता है आपका कैपिटलाइज। तो ये हमारे थे। अगला जो आपका है इज अपर और इज लोअर, ये बेसिकली आपको ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू देता है। तो बहुत सारी जगह पे हमें चेक करवाना होता है कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो अपर है या फिर लोअर है, तो इसको चेक करने के लिए यहीं पे कर लेते हैं एक्स डॉट इज अपर। अब यहां पे आप डायरेक्टली ले सकते हो क्योंकि यहां पे आपने डिफाइन कर रखा है, तो जब आप दूसरे सेल में यूज करोगे तो दूसरे सेल में आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो इस केस में क्या होगा, x डॉट इज अपर ट्रू देगा या फॉल्स देगा, तो ये फॉल्स देना चाहिए क्योंकि यहां पे जो हमारा लास्ट एलिमेंट आया था वो s कैपिटल था, लेकिन इज अपर क्या करेगा, ये देखेगा कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कैपिटल है या नहीं, तो कंट्रोल एंटर, तो यहां पे ये फॉल्स देगा। सेम यहां पे इसको कॉपी कर लेते हैं नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा, लोअर केस के लिए देख लेते हैं, कॉपी किया कंट्रोल वी किया, यहां पे कर लेते हैं इज लोअर। प्रिंट आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, ये मैंने आपको बताया, यदि आप एक चीज प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप नहीं भी दोगे तो चल जाएगा। तो यहां पे आपको फॉल्स मिला क्योंकि ये लोअर में भी नहीं है, यहां पे जे जो है वो कैपिटल हो गया है, तो सपोज यहां पे जे को स्मॉल करते हैं तो इस केस में आपको ट्रू मिलेगा, कंट्रोल एंटर, देख सकते हो ट्रू मिलेगा। तो इस तरह फंक्शन का यूज कर सकते हो। अगला जो है स्टार्ट्स विद एंड्स विद, ये भी आपको ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू देता है, तो बहुत सारी जगह में आपको ये भी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो सपोज इसी को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल वी, यहां पे हमने लिखा एक्स डॉट स्टार्ट्स विद, सपोज यहां पे हमने लिखा के, मतलब हम लोग ये मान के चल रहे हैं ये जो संजीत है ये के से स्टार्ट हो रहा है, तो इस केस में क्या देगा ये फॉल्स, क्योंकि ये एस से स्टार्ट हो रहा है, तो कंट्रोल एंटर, तो ये फॉल्स मिल गया। यदि यहां पे एस करोगे तो ये आपको ट्रू दे देगा, ठीक है। सेम आपका है एंड्स विद, ये लास्ट एलिमेंट चेक करवाएगा और देखेगा कि लास्ट कैरेक्टर क्या है, तो यहां पे टी है, तो इस केस में हम लोग क्या कर लेते हैं एंड्स विद, यहां पे हम लोग कर लेते हैं टी, तो ये ट्रू देगा। सपोज यहां पे हम लोग करते हैं एस तो ये फॉल्स देगा। तो इस तरह स्टार्ट्स विद और एंड्स विद यूज कर सकते हो। अगला इज अल्फा, ये भी आपको ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू देता है, ये बेसिकली चेक करता है कि आपका जो स्ट्रिंग है ये अल्फाबेटिकल है कि नहीं, इसको देख लेते हैं कंट्रोल वी, यहां पे आप कर सकते हो एक्स डॉट इज अल्फा,
तो ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा? ट्रू देना चाहिए क्योंकि ये अल्फाबेट्स हैं सारे। कंट्रोल एंटर, देख सकते हो ट्रू दिया है। सपोज यहां पे आप ले लेते हो वन, तो इस केस में ये क्या देगा, ट्रू देगा या फॉल्स देगा? फॉल्स देना चाहिए। कंट्रोल एंटर, क्योंकि यहां पे आपने वन ले लिया है, वन अल्फाबेट में नहीं आता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखें। अगला जो आपका है वह इज न्यूमेरिक इज डिजिट। इज न्यूमेरिक भी वैसा ही चेक करना है जैसा आपने इज अल्फा को चेक किया, तो उस केस में इसी को कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल वी किया, यहां पे हम लोग कर लेते हैं इज न्यूमेरिक। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका ये स्ट्रिंग है क्या ये न्यूमेरिक है या नहीं, तो न्यूमेरिक नहीं है। कंट्रोल एंटर, फॉल्स मिलेगा आपको। न्यूमेरिक बनाना है तो यहां पे क्या कर सकते हो, 1 2 3। कंट्रोल एंटर, तो ये ट्रू दे देगा। सपोज यहां पे आपने स्पेस ले लिया, अब क्या होगा, ट्रू होगा फॉल्स होगा, चेक कर लेते हैं। कंट्रोल एंटर, तो यहां पे आपको फॉल्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्पेस जो है वो स्ट्रिंग होता है, ये आप ध्यान में रखिए, इसलिए ये फॉल्स दिया है। डिजिट भी देख लेते हैं, डिजिट में क्या कर सकते हो, यहीं पे ले लेते हैं इज डिजिट। तो इस केस में क्या होगा, ट्रू होना चाहिए फॉल्स होना चाहिए, देख लेते हैं। कंट्रोल एंटर, ये फॉल्स मिलेगा क्योंकि यहां पे ये डिजिट है, लेकिन चूंकि यहां पे आपने स्पेस लिया हुआ है तो इसीलिए ये फॉल्स दे दिया। तो इसका भी काम ऑलमोस्ट इज न्यूमेरिक जैसा ही होता है। अगला आपका है फाइंड। फाइंड क्या करेगा, जो भी चीज आप फाइंड आउट करना चाहते हो उसका पोजिशन बता देगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यहां पे आपने x इक्वल टू संजीत लिया और यहां पे आपने किया प्रिंट x डॉट फाइंड और यहां पे आपने ले लिया j, तो j को आपने फाइंड आउट कर रहे हो, तो j का पोजीशन क्या है, 0 1 2 3, तो ये आपको 3 दे देगा। कंट्रोल एंटर, दे सकते हो 3 मिल गया। सपोज आपको e लेना है तो यहां पे आप कर सकते हो e, कंट्रोल एंटर, तो ये आपको 4 देगा जो फर्स्ट एलिमेंट आपका है। सपोज यहां पे आप ले लेते हो p, तो इस केस में क्या मिलेगा आपको, कंट्रोल एंटर, -1 मिलेगा। -1 मतलब क्या होता है, फॉल्स, मतलब ये जो p है वो एग्जिस्ट नहीं करता है x में, तो -1 का मतलब आपको यही समझना है। अगला आपका काउंट। काउंट बेसिकली ये बताता है कि एक स्ट्रिंग में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, या फिर यदि लॉन्ग स्ट्रिंग है तो वहां पे आप वर्ड को भी चेक करवा सकते हो कि एक जो वर्ड है वो कितने बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इसी को कॉपी किया, यहां पे कंट्रोल वी किया, यहां पे हम लोग कर लेते हैं संजीत कोडर, यहां पे हम लोग कर लेते हैं एक्स डॉट काउंट, यहां पे कर लेते हैं टी, तो ये देखेगा कि टी यहां पे कितने टाइम्स है, तो ये एक ही बार है तो ये 1 शो करेगा। सपोज यहां पे हम ले लेते हैं ई, ई कितने बार आ रहे हैं, 2 and 1 3 टाइम्स, तो कंट्रोल एंटर, तो दे सकते हो यहां पे 3 शो हो गया, तो ये हो जाता है आपका काउंट। अगला आपका इंडेक्स। इंडेक्स में बेसिकली आप क्या कर सकते हो, किसी भी वर्ड का या किसी भी कैरेक्टर का इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सेम ले लेते हैं हम लोग, कॉपी कंट्रोल वी, यहां पे हमने कर लिया x डॉट इंडेक्स, हम इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं s का, तो क्या होना चाहिए, कंट्रोल एंटर, 0 होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। सपोज यहां पे हम कर रहे हैं c, तो ये क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7, स्पेस हो गया 7 और c हो गया 8, तो यहां पे 8 होना चाहिए। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो 8 आ गया। अब सपोज यहां पे आप ले लेते हो d, तो इस केस में क्या होना चाहिए, कंट्रोल एंटर, तो यहां पे ये 10 दे दिया क्योंकि d जो है वो 10 में है। यहां पे सपोज हमने ले लिया p, कंट्रोल एंटर, अब इस केस में आप देख सकते हो आपको एरर मिलेगा, यहां पे आपका कोई सबस्ट्रिंग नहीं है, p है ही नहीं। लेकिन फाइंड में क्या होता था,
हैंड में यहां पे माइनस वन शो हो जाता था, यहां पे आपको डायरेक्ट एरर मिलेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अगला स्ट्रिप, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सपोज यहां पे हमने ले लिया x इक्वल टू संजीत कोडर और यहां पे हमने स्पेस ले लिया, यहां पे भी हमने स्पेस ले लिया। स्ट्रिप क्या करता है, जो भी व्हाइट स्पेस है चाहे स्ट्रिंग के लेफ्ट में या स्ट्रिंग के राइट में, उसे रिमूव कर देता है। तो सपोज यहां पे आप करोगे x डॉट स्ट्रिप, कंट्रोल एंटर करोगे तो देख सकते हो जो भी व्हाइट स्पेस है या फ्री स्पेस है वो रिमूव हो गया। तो ये काम हो जाता है आपका स्ट्रिप का। सपोज यहां पे L लेते हो, L मतलब लेफ्ट स्ट्रिप, मतलब लेफ्ट साइड में स्ट्रिप करवाने हैं, मतलब रिमूव करवाने हैं। तो इस केस में क्या होगा, लेफ्ट वाला रिमूव होगा। तो देख सकते हो लेफ्ट वाला ही रिमूव हुआ है, राइट वाला एज इट इज है। राइट स्ट्रिप करोगे तो राइट वाला रिमूव होगा, लेफ्ट वाला एज इट इज रहेगा। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो लेफ्ट वाला स्पेस एज इट इज है, राइट वाला रिमूव हो गया। तो ये हो जाता है आपका स्ट्रिप, ये बहुत सारी जगह पे काम में आ जाते हैं। अगला जो है वो रिप्लेस, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। रिप्लेस से क्या कर सकते हो, आप किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हो, या कोई भी अनवांटेड डेटा है जिसको आप नहीं चाह रहे हो उसे रिमूव कर सकते हो। वो कैसे, किसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहां पे कर लिया कंट्रोल वी। सपोज यहां पे हमने कॉमा दे दिया, यहां पे हमने डॉट ले लिया, यहां पे भी कॉमा ले लिया। अब हमें यहां से संजीत कोडर निकालना है, तो इस केस में आपका रिप्लेस मेथड काम में आएगा। और यहां पे हम लोग स्पेस भी ले लेते हैं, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले हम ये व्हाइट स्पेस रिमूव कर रहे हैं, तो यहां पे हमने कर लिया x डॉट स्ट्रिप, तो ये क्या करेगा, यहां पे भी हम लोग स्पेस ले लेते हैं। तो ये क्या करेगा, जो भी व्हाइट स्पेस है लेफ्ट साइड और राइट साइड में वो रिमूव करेगा। कंट्रोल एंटर, तो ये रिमूव हो गया, देख सकते हो यहां पे। अब हमें इसको रिमूव करना है, तो रिप्लेस मेथड काम में आएगा। तो रिप्लेस मेथड के लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप एक वेरिएबल ले सकते हो y इक्वल टू x डॉट स्ट्रिप, तो y पे स्टोर हो गया ये जो डेटा है। अब यहां पे y में हम लगा रहे हैं डॉट रिप्लेस ब्रैकेट, हमें रिप्लेस क्या करना है, ये जो कोमा है इसको रिप्लेस करना है। तो यहां पे आपको देना है सिंगल कोट, यहां पे आपको ले लेना है कोमा, फिर यहां पे आपको बाहर में कोमा देना है। रिप्लेस किससे करना है, सिंगल कोट से। सिंगल कोट मतलब किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं आएगा, यदि स्पेस ले लोगे मतलब ये स्पेस से रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन हमें स्पेस नहीं चाहिए, हमें इसे रिमूव करना है। तो यदि आप यहां पे सिंगल कोट ले लोगे तो ये रिमूव हो जाएगा और स्पेस भी आपका हट जाएगा। तो इस केस में देख लेते हैं कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो वो सारा रिमूव हो गया जो भी आपका कोमा आ रहा था। सेम आप कर सकते हो डॉट के लिए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जेड इक्वल टू इसको जेड पे ले लिया, इसमें फिर अप्लाई कर सकते हो जेड डॉट रिप्लेस, सिंगल कोट में डॉट आ जाएगा, कॉमा यहां पे ब्लैंक। तो इस केस में क्या होगा, ये रिप्लेस हो जाएगा। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो ये रिमूव हो गया। अब यहां पे फिर स्पेस आ रहा है, तो सिंपली आप यहां पे स्ट्रिप लगा सकते हो डॉट स्ट्रिप, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे सेम वही कर सकते हो, एक दूसरा वेरिएबल बना सकते हो और उसमें स्टोर करवा सकते हो। तो कंट्रोल एंटर करोगे तो यहां पे ये कंप्लीटली रिमूव कर देगा। अब यहां पे आप क्या कर रहे हो, अलग अलग वेरिएबल ले रहे हो, एक ही लाइन में यदि आपको करना है तो उस केस में क्या करोगे, तो उस केस में यहां पे इसको कॉपी कर लेते हैं, यहां पे कर लिया कंट्रोल वी। इस केस में आप क्या कर सकते हो, एच डॉट स्ट्रिप किया पहले, मतलब व्हाइट स्पेस रिमूव हो गया, डॉट रिप्लेस करना है हमें किसे, कोमा को, तो यहां पे ले लिया कोमा, सिंगल कोट, फिर डॉट रिप्लेस कर रहे हैं किसको, डॉट को, कोमा, रिप्लेस हो जाएगा ये।
और फिर बाद में जो हमारा स्पेस आ रहा था उसके लिए डॉट स्ट्रिप, ठीक है। तो एक ही लाइन में सारा काम हो जाएगा, कंट्रोल एंटर करोगे तो देख सकते हो सेम रिजल्ट आपको शो हो जाएगा। तो ये फायदा हो जाता है आपका स्ट्रिप का, रिप्लेस का। अगला आपका है स्प्लिट। स्प्लिट में आप क्या कर सकते हो, सपोज यहां पे हमने लिया x इक्वल टू संजीत कोल्डर और यहां पे हमने क्या किया x डॉट स्प्लिट, तो ये क्या करेगा इसको स्प्लिट कर देगा, मतलब संजीत को अलग कर देगा और कोल्डर को अलग कर देगा, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो ये दोनों को अलग कर दिया और ये एक लिस्ट बन जाता है। तो ये फायदा होता है आपका स्प्लिट का। यदि यहां पे प्रिंट लगाओगे कंट्रोल एंटर तो आपको सेम वही मिलेगा। एक लास्ट है हमारा ज्वाइन। ज्वाइन में बेसिकली क्या होता है, सपोज यहां पे हमने एक लिस्ट लिया x इक्वल टू, इसमें हमने ले लिया h, इसी में हमने ले लिया e, इसी में हमने ले लिया l, l और o, यहां पे हमने क्या लिया कोमा, यहां पे भी कोमा ले लिया। अब ये क्या है, हेलो है, इसको हमें ज्वाइन करना है। तो इस केस में आप ज्वाइन मेथड यूज करोगे। तो ज्वाइन मेथड क्या करेगा, एक एंड को इटरेशन करवाएगा और सारे को मर्ज कर देगा। तो इस केस में आप ले सकते हो प्रिंट, यहां पे ले सकते हो डॉट ज्वाइन और ज्वाइन में आप कर सकते हो एक्स और यहां पे आप दे सकते हो सिंगल को, मतलब जो भी है वो सारे को आप ज्वाइन कर रहे हो और सिंगल कोट ले रहे हो। सिंगल कोट मतलब बीच में किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं आएगा। तो यहां पे कंट्रोल एंटर करोगे तो देख सकते हो सारा मर्ज हो गया। यदि यहां पे कोमा लोगे तो कोमा से सेपरेट हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका ज्वाइन में। यदि स्पेस लोगे तो स्पेस आ जाएगा। तो इस तरह आप फंक्शन को यूज कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।